अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और मुल्की सियासी सूरत हाल आजकल प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बात होती रही है और ख़ासतौर पर इस वक्त जो आइनी तरमीम के बाद के जो मामलात हैं उसके ऊपर अब बहस शुरू हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था कि बहस जो वो पहले की जाती इन मामलात के ऊपर। बहरहाल समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो जो इसका बाकायदा जो ड्राफ्ट या मुसविदा जिसको कहा जाता है जब वो तैयार किया गया तो बहुत सारे लोग उससे लाइम थे, मेंबर पार्लियामेंट भी उससे लाइम थे। बहरहाल वो जो ही मंजर आम पर आया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात होना अभी बाकी है। बहरहाल अब तो क्योंकि कानून का हिस्सा आइन का बन चुका है, तरमीम की जा चुकी है, या हम अब उससे क्या कुछ होना बाकी है ये समझना ज़रूरी है। और एक बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात कानूनी ऐसे हैं जिससे एक आम आदमी का ताल्लुक नहीं है, वो ये शायद इनको नहीं समझ सकता, इसमें कोई मज़ाहिके की बात नहीं है। बहुत सारी शक्लें यकीनन ऐसी भी हैं जो हमें भी अभी तक समझ में नहीं आई हैं और उसको समझना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कुछ उसके लिए वक्त दरकार है, तो ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। हर शख्स उसके ऊपर अपने हिसाब से तबसरा करने की कोशिश कर रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ हर मामले के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर तबसरा अपने हिसाब से किया जा रहा है। ज़रूर कीजिए, यह आपका हक है, लेकिन उसको समझ लेना पहले ज़रूरी है। जब वो मामला समझ में आ जाए उसके बाद फिर बात करना ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल इसको अभी क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा कि अभी मंजर आम पर आया है, बहुत सारी चीज़ें अभी उसको नहीं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, उसमें मरहला वार 22 के करीब कुछ ऐसी शक्लें मौजूद हैं जिसके अंदर जो है वो आइन में जिनमें तरमीम हुई हैं, बायलॉज उसके जो हैं, आप ये समझ लीजिए। अब ये क्या चीज़ है, आगे चल के इसके ऊपर बात होगी। बहरहाल समझना ये ज़रूरी है कि इसके मकासद क्या हैं और इससे क्या हासिल हो सकता है और क्या वाक़ता इसमें, जैसे हम बात करते हैं या सियासी जमातें बात करती हैं कि जो हमारे यहाँ राइज निज़ाम है कानून का, उसमें कोई बेहतरी आ सकेगी। होना तो ये चाहिए था कि वक्त गुजरने के साथ हमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ फ़ैसले करने ज़रूरी थे। अब जो कुछ अदालतों में हो रहा है इसके ऊपर तबसरा इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो हमारे यहाँ क्योंकि शजर ममनू है, इसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। तो बहरहाल कोशिश करते हैं मामलात पर गुफ्तगू करें, साथ साथ मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शब्बीर अहमद बानी हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बिला तख़ीर इस मामले और मौजू की तरफ आते हैं, क्या वाक़ता जैसे मैंने कहा कि कानून बनाना या उसमें बेहतरी लाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जनाब ये जो आपका इदारा जो एक काम कर रहा है उसकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके। मुझे माफ़ कीजिए कि हमारी जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है और जिस नंबर पर हम खड़े हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं मैं कह पाऊँगा। तो आपके ख्याल में कानून साजी से मामलात बेहतर होंगे या मज़ीद हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्या इससे ख्याल किया जाए, आपकी क्या इसके ऊपर राय फरमाइएगा? यासर भाई, पहली बात जो आई है सबसे पहले वो ये तनाज़ा जो खड़ा हुआ है जब से आइनी तरमीम के हवाले से ये जो बिल पास पार्लियामेंट में हुआ, इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिली है वो ये है कि हकूमत जो बनी तो वो खुद मुतनाज़ा आज तक समझी जा रही है। अपोजिशन, खैर वो गवर्नमेंट ही है, उनकी गवर्नमेंट है KPK में, लेकिन वो अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने आज तक इनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फिर ये जब आइनी तरमीमी बिल जब आया तो इससे मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर सीनियर सियासतदान जो है वो बिला इलम थे, जब इसे पेश किया गया तो आइनी तरमीम जो होती है वो पहले मसौदा तैयार किया जाता है, उस पर फर्स्ट टाइम वही वाली बात है कि पहले जेरे बहस लाया जाता है, फिर उस पर बात होती है कि आया इसमें ये जो शक है इसमें कोई तरमीम करनी भी है या नहीं करनी। इस पर जो मसौदा जो हमें पेश किया गया या जो इन्होंने किया तो वो आवाम में या सीनियर सियासतदान या किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब लाइलम है। अब उसके बाद वो ये हो रहा है कि अभी उस पर वोटिंग भी हो गई, खैर वो पास भी हो गया, आगे चल के देखना ये पड़ेगा कि क्या इसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत वक्त को हुआ है या वो आने वाले दौर में जो है ज्यूडिशियली निज़ाम जो है वो बेहतर होता नज़र आता है। बेसिक जो आज से पहले जितने भी हमारे जो ज्यूडिशियली निज़ाम था, इंसाफ का जो पहिया है वो बहुत स्लो चलता है। तो एक बार पहले भी बात हुई कि दादा
अगर कोई केस करता है तो वो पर नवासे जो है ना, पर पोते तक वो जाता है। यकीनन ऐसा ही है। तो इस हिसाब से कोई भी अगर इसको पहले, अगर जुडिशनली सिस्टम को लॉ के हवाले से अगर इसको इन्होंने टच करना था, तो सबसे पहले जो है कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कोई ऐसा आप कमीशन बनाएं कि जो आपके जितने जस्टिस हैं, मोहतरम जस्टिस, उनका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है कहाँ से, किस हिसाब से, वो किस वे में जाके, किस लॉ से, किस तरीके से वो जो है इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो जिस डिपार्टमेंट को देखें वो पाकिस्तान में वो कहता है कि बस मैं ही उसका जो है आले नाल हूँ और मुल्क को मैंने ही बेहतर चलाना है, फिर वो टकराव होता है इदारों का आपस में, जबकि ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह मैं यही कहूँगा कि अब अगर ये बिल पास हो भी गया है, तो इस बिल के हिसाब से जो ज्यूडिशियली निज़ाम है, इसमें अभी भी इन जो जज साहबान हैं इनके ऊपर भी कोई कमीशन, ऐसा न्यूट्रल पर्सन्स का न्यूट्रल जो है ऐसा एक इदारा बनाया जाए कि जो इनका भी चेक एंड बैलेंस रखे, और निज़ाम जो इंसाफ का निज़ाम है उसको जो है इस हिसाब से रखा जाए कि वो जो भी जाए अदालतों में, चाहे लोअर अदालत हो या हायर सुप्रीम कोर्ट तक हो, तो उसमें जो है उनको फौरन इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि इस तरह से तो ये होता है कि इंसाफ मिलता ही नज़र नहीं आता, आता है तो बहुत देर से आता है। अब कई ऐसे भी केसेस देखे होंगे कि कई लोग जिनको सजाए मौत हो गई वो बेचारे फांसी चढ़ गए, और बाद में जो है ना उनके केस की वो अपीलें की हुई थी, तो अपीलों में फैसला हुआ कि वो तो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, तो अब देखिए वो उसको फांसी दे दी है लेकिन वो बेकसूर और बिल्कुल, बेगुनाह लोगों ने हुआ। उम्र कैद इसके अंदर तो काटी है, ये बिल्कुल बहुत ऐसा ही सारे है। लोग ऐसे हैं, तो ये बहुत सारी मिसाइलें हैं, तो एग्जाम्पल्स जितनी हैं ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जो है ना हमारी अदलिया का जो वकार है वो वर्ल्ड लेवल पे मजरूह हो रहा है। तो ये सारी बातें देखते हुए जो भी है, और आइनी तरमीम जब की जाती है आइन में, तो मैंने एक चीज़ और भी नोट किया कि कोई भी हुकूमत आती है वो जब आइन में तरमीम करते हैं तो वो अपने मफादात को मद्देनजर रख रहे होते हैं, तो जिससे वो अपोजिशन जो है वो एक अलग हंगामा बरपा करते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट ठीक टाइम है। उसका जो है आवाम पे भी बुरा असर पड़ रहा होता है, मुल्की सतह पे, मुल्की मुआशियत पे, दीगर मामलात में। क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने तो वो अपना एक पीरियड है, उसके बाद फिर नई हुकूमत ने आना है। तो ये आइन के साथ मैं कहता हूँ कि ये जो बहुत सारी तरमीम हो चुकी हैं आज तक, और अभी भी कुछ इसमें भी तब्दीली के लिए कहा गया है। और आज एक बात और बताऊं जी कि ये जो बेंच तश्कील दे रहे हैं इसके अंदर ये है कि एक सबसे बड़ी खामी ये आ रही है कि वो अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने भी वो पॉइंट आउट किया है कि इसके अंदर ये है कि जो सबका जो आपका बेंच है वो भी टच में रहेगा, जब न्यू बेंच के साथ सबका बेंच चलेगा तो फिर इंसाफ का तकाजा क्या होगा ये आप खुद बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अब के आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालत, उसके लिए अलग अदालत, ठीक है जी। अब वो जो फैसले हो रहे हैं क्या वो आईन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। और अगर हैं तो आईनी मामला कहते किसको हैं, पहले इसकी तशरीह होना बाकी है कि अब ये कैसे फैसला किया जाएगा कि ये आईनी मामला है और ये आईनी मामला नहीं है। ठीक हो गया जी। दूसरी बात ये कि फिर ये जो लोअर कोर्ट्स के फैसले हैं, इसको अगर आला अदालत समझेगी कि अगर ये फैसला ठीक नहीं है तो फैसला करने के जो मजाज हैं कि वो उसके फैसले को सेट असाइड कर दें, ये भी एक इसके अंदर तरमीम शामिल है। बहरहाल जी, अब ये बाकी जो नीचे कोर्ट्स रह गई हैं इनका क्या मसरफ रह जाएगा, उनकी अहमियत क्या रह जाएगी, ये समझना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर सारे केस अगर उस तरफ चले जाएंगे अपर कोर्ट्स के अंदर, तो अब एक आम आदमी को रुजू करने के लिए फिर वहाँ जाना पड़ेगा, तो उसको तो इंसाफ दहलीज पे नहीं मिलेगा। ये कैसा फ़लसफ़ा है ये समझना बड़ा मुश्किल है कि हमें तो स्पीडी जस्टिस के ऊपर बात करनी थी, हमें तो ये देखना था कि जल्दी से डिलीवर हो, उसकी जो मुद्दत है कम से कम हो, कि इसके फैसले जल्दी हों। लोग ये चाहते हैं बजाय इसके कि आप इस किस्म के रिफॉर्म्स वो लेकर आते, नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी तजावीज़ हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सबके इल्म में यकीनन होंगी ये बात, लेकिन उस हवाले से कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं है। अब ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। दूसरा, ये डॉक्टर साहब ये फरमाइए, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि थोड़ा
थोड़े वक्त के लिए और अपने मफाद के लिए, ये इनको कब ये बात समझ में आएगी? तमाम सियासी जमातों के लिए है कि हमें फैसले ऐसे करने हैं कि हमें याद रखा जाए और उसके दूरस्थ नतीजे जो है वो निकलें। अब ये मखसूस वक्त के लिए तो हो जाएगा, लेकिन फिर जब आगे जाके मामला फिर एक जब हवा का रुख तब्दील होता है तो फिर ये सारी परेशानियां बन के सामने खड़ी होंगी। उस वक्त क्या करेंगे? उसके बाद फिर यही शोर शराबा होगा, यही जो हमारा सियासत का पहिया है इसी तरह घूमेगा। आपकी क्या राय है? यासिर भाई, पूरी मुल्की सियासत तो एक बड़े वसी तजर्बे और बड़े वसी तजर्बाकार सियासतदानों के आज तक जो है, मैं कहूँगा कि उनके आना की भेंट चढ़ी है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अभी अपने कराची को ही देख लेते हैं। तो कराची से हम एक बात स्टार्ट करेंगे कि हमारे कराची के अंदर माशाल्लाह से MKM एक बहुत अच्छी पार्टी, उनका सियासत में बड़ा रोल चला आ रहा है। अब आईनी तरामीम जब भी हुई है तो इन्होंने जो भी हुकूमत है उसका हिस्सा ही होते हैं, बहुत कम ये अपोजिशन में गए हैं। लेकिन उसके बाद कराची में डिलीवर होता नहीं नज़र आता। अब क्या होता है कि अभी जैसे सिंध हुकूमत है और वफाक के साथ MKM का लिंक है, जबकि हुकूमत अगर वफाक की हो या सूबाई हो, हुकूमत तो सबकी मुश्तरक है, लेकिन अवाम कहाँ खड़ी है? इंसाफ के हवाले से अगर देख लें, अभी चलें लोअर तबका है, कोई साल बाद, 2, 5, 10 साल बाद किसी को कोई कुछ अगर इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, करीब वो जाते हैं। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक सब जेरे बहस और ये आ गए तो उसके बाद क्या होगा कि नॉन अफोर्डेबल लोग जो हैं वो क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा अहम सवाल है उनके लिए, ये मसले बनते हैं। यहाँ तो ये होता है कि अगर किसी से कोई तलख कलामी भी हो जाए ना, हल्की फुल्की, तो वो भी कोई ना कोई एप्लीकेशन लगा देता है। अब वो मामले को देखते देखते उस बंदे की जो है ना जिंदगी गुजर जाती है उस मामला से निकलने में बाद, चाहे वो झूठी हो। तो इन सारी बातों को देखते हुए खासकर कराची के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। एक तो आउटसाइडर जो कराची में है, ये इस चीज से हट के सवाल है जी। तो इसकी वजह से जो कराची में मामलात खराब हो रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, अब आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं जो मामलात हुए हैं पिछले अदवार में हुए हैं या मौजूदा भी कुछ हो रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं हम तो, हमारे लिए बड़े मामलात बने हुए हैं। तो ये अगर इसी तरह से अदालती मामलात के अंदर तजाद होता रहा और टकराव की फ़िज़ा कायम रही, तो इदारों में और अदालतों में जब ये टकराव होगा तो मामलात ये हैं कि जो क्रिमिनल लोग हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, ये एक चीज उनकी फेवर में जाएगी। तो वो चाहे कोई सियासी क्रिमिनल हो या वो यहाँ देख लें कि कोई इलाकाई क्रिमिनल हो, तो सबसे पहले जो सिस्टम बनाया जाए वो ये है कि जाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए, मुल्की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए आईन में तरमीम की जाए कि आईन के अंदर क्या ये जो है आने वाले वक्त में इसका क्या बेनिफिट होगा। ये नहीं कि अपने जो आपके बैंक बैलेंस हैं उनको सिक्योर करने के लिए, आपके बिजनेस सिक्योर करने के लिए, आपके वो केसेस नैब के या दीगर केसेस हैं वो सिक्योर करने के लिए, उनसे पीछा छुड़वाने के लिए तरामीम होती रहें, और उसके अंदर इदारे जो हैं इदारों को प्रेशराइज करके और इदारों को अपने ताबे लाने के लिए सियासतान ये काम करते रहें जो वो शुरू से करते आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फिर वो मार्शल लॉज और वो बड़े मामलात आगे चल के होते हैं। तो अभी मुल्क जो है ना उन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी जो अदलिया है, हमारी अदलिया को खासकर हमारे जितने सीनियर जस्टिस हैं या हमारे जज साहबान हैं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक बहुत मुकद्दस जगह पर बैठे हैं। तो इंसाफ का तकाजा जब आ जाए तो सहाबा कराम को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुल नबीन रहमतुल्लाह आलमीन के जो फैसले हैं उनको, जो हमें हदीसों कुरान पाक से मिलते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इंसाफ अगर किया जाए। अब यहाँ पर जो है ना हमारा लॉ जो है ब्रिटिश लॉ चल रहा है, तो आईन में मैं तो ये कहूँगा, जो मेरी पर्सनल राय है, कि आप आईन में सारी तरामीम तो करते हैं जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए, दुनियावी मफादात को, आईन में आप ऐसी इस्लाहात भी करें कि जिससे हमारे मुल्क
और हमारी आखिरत को भी फ़ायदा हो। बहुत तो ये बातें ज़रूरी हैं। तो सियासत, सीनियर सियासतदान जितने भी हैं उनको इस पे भी सोचना चाहिए, जितने हमारे जज साहबान या जस्टिस साहबान हैं उनको भी, कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। बहुत चाहे आप खूब एक बेंच बनाएं या 10 बनाएं, उनका ये है कि पहले इंसाफ मद्देनजर रखा जाए, इंसाफ के तकाजों को। बहुत खूब। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं, उसको शफाफ तरीके से डिलीवर किया जाए। और फिर तरीक़ाकार बहुत हैं। अब हम इन मामलों में इतना उलझ कर रह गए कि हर शख्स अब इसके बारे में बात कर रहा है, हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, और ये क्यों इस वक्त वाक़ता इसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़्यादातर लोग तो इस बात को जानते ही हैं, आप समझते हैं। मैंने कहा और अक्सर ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए चाहे इन्फॉर्मेशन सही ना हो लेकिन मामला तो ज़रूर उठ जाता है, या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी मामला को उठाया जाए। जब इसके ऊपर बात होती है तो फिर लोग सवाल करना शुरू होते हैं। तो काफ़ी हद तक तो लोगों को ये बात भी समझ में आ चुकी है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इसके क्या अजाइम क्या हैं और किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल फिर यही है कि जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे कवानीन हैं हमारे यहाँ, एक तो बड़ा कवानीन में टकराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो जो कन्वेंशनल लॉज हैं, इस्लामिक लॉज हैं, उन सबको जो है देखना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। मामला कई जगह कुछ केसेस में इतने पेचीदा हो चुके हैं उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। ऐसे मामला को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी, और वाकईतन जो कानून साजी होती वो इन हवालों से की जाती तो लोगों में ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन मिलती। और फिर इन मामला को समझने वाले भी होना चाहिए। माजरत के साथ मैं तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कह सकता, जो हमारा मुकन्नना है, जो कानून बनाने वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो कितना इन चीज़ों को समझते हैं, इससे आगाह हैं, या इसके बारे में कितनी उनकी स्टडी है कि वो इसके ऊपर मुबाहसे कर सकें कि वाकईतन जो कानून पास होने जा रहा है उसके क्या नतीजे निकलेंगे। क्योंकि ये जो कानून आप बनाते हैं, अब ये समझ लीजिए कि तो हम तो इसको मद्देनज़र कभी नहीं रखते हैं कि ये आने वाली नस्लों के लिए होते हैं, फैसले उन्होंने देखने हैं और उसके बाद उसके तहत ही मुल्क का निज़ाम चलेगा। लेकिन अगर ये महज अपने मुफादात के लिए बहुत थोड़े वक्त के लिए, कि चाहे कुछ भी कर लें, 2 या 3 साल की मजीद और हुकूमत मिल जाएगी उसके लिए, अगर ये सारे फैसले करेंगे तो फिर आगे हमारे साथ क्या होगा, वक्त क्या कुछ दिखाएगा। शायद इतनी दानिश नहीं है या इतने मामला फहम हम लोग नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्या इस पे मजीद इजाफा करेंगे? आपकी बात बड़ी मुतासर कौन है, ये शॉर्ट टर्म एक जो फ़ायदे के लिए जो करते हैं, कितनी देर ये सिलसिला और मजीद चल जाएगा यासर बताइए। भाई, वही बात है। अभी जैसे चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की तैनाती को लेके एक इशू खड़ा हो गया, उसमें कुछ जो बार्ज हैं उनके वकला, मोहतरम वकला हजरात ने, और कुछ अदालतों में भी उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने जी खुश जी आइंद भी कहा, और कुछ ने इसकी मुखालफत भी की है। बिल्कुल तो ये वही बात सामने फिर आ रही है कि इन फ्यूचर के वही पसंद और नापसंद का जी मामला। जी और मैं इस पर बार बार एक बात करता हूँ कि पसंद और नापसंद के जो आप मामलात हैं ना, आप जी इनको पसे पुश्त डाल दें मुल्क के लिए, मुल्क की मामलात के लिए, कि आप इस तरह की सियासत, अब पिछले हम 76-77 सालों में, जी 77 साल हो गए हमारे, इसमें हम यही सियासत देखते आ रहे हैं। वही संभाला है जब से, कि वो चोर और इसने लूट लिया, उसने लूट लिया। आप एक चीज़ देखें कि जो भी वज़ीरे आज़म आता है वो जब बैठ रहा है कौम से पहला खिताब करता है तो वो कहता है ख़जाना तो खाली खजाना है। खाली है बिल्कुल। तो अब इसी तरह से फिर ये ना हो कि जैसे वो चीफ जस्टिस निसार साहब, उन्होंने आवाम को कहा डैम बना रहे हैं, बताइए। और उसके बाद उन्होंने वो चंदा और वो सारे हुए, और वो अब वो जब रिटायरमेंट के बाद अब उनका पता भी ना, वो डैम्स का पता चला बिल्कुल और ना वो चंदा जो हुआ। तो ये चीज़ें जो बातें हैं ये आवाम के लिए, आप वाली बात 1000% बिल्कुल करेक्ट है कि आपने जैसे फरमाया सोशल मीडिया का दौर है, झूठ या सच वो आग की तरह फैल जाता है। बिल्कुल सही है। इसके अंदर वही बात आती है कि वो जब अब वो पिछली जो बातें हुई जैसे मुल्क संवारो, कर्ज कर्ज उतारो, मुल्क उतारो संवारो, स्कीम बिल्कुल और ऐसा ही। दीगर बहुत कुछ हुए, अब इसी तरह डेम की, वो चीफ जस्टिस साहब की, हर इदारा जो है वो अपने दौर के अंदर किसी न किसी तरह से आवाम उनसे मुतमिन नहीं है कि उनके साथ कुछ ना कुछ हो चुका है। अब बिल्कुल ठीक है। आवाम बाशऊर है, आवाम एक एक बात समझती है। अब आवाम को वो कहते हैं ना लॉलीपॉप नहीं दिया जा सकता। आवाम अब जो न्यू जनरेशन है उनमें अवेयरनेस आ चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया के थ्रू आज एक और चीज़ सामने आई
कि जी वो साइबर विंग बन गया, 15 साल, 5 साल, 10 साल, इतना जुर्माना ये होगा, ये मजीद ऐसी चीज़ों से क्या होगा, ऐसी बातों से नफरतें फैलेंगी, तो वो कहेंगे कि जी हमारी आज़ाद आवाज़ है जो उसको दबाया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया सार्फिन से भी कहूँगा कि आप पॉजिटिव काम करें, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, हमारे मुल्क को भी नुकसान हो रहा है और हम दुनिया में भी तमाशा बन रहे हैं। और इसी तरह इदारों को भी चाहिए कि वो भी उन पर ग्रिप करें कि जो लोग जो है किसी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे मामलात ऐसे हुए हैं सोशल मीडिया को देख के कि लोग यहाँ पाकिस्तान में वो रहते भी नहीं है, जी उन्होंने जी पाकिस्तानियों के आईडीज़ और वो नेम और वो पिक्चर्स और ये सब किया हुआ है, और वो उनके नाम इस्तेमाल करके, और वो बैठे बाहर हैं, जी आउट कंट्रीज में हैं, फॉरेन्स में हैं, तो वो यहाँ बैठ के पाकिस्तानियों का नाम यूज़ करके और आपस में वो लड़ा रहे हैं। तो जी पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा है कि आया वो पाकिस्तान में है या वो पाकिस्तानी भी है या नहीं। नहीं, इसकी जहमत हम तो नहीं गवारा करते, बिल्कुल सही मेरे एक कहा। नेबर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, दो चार उनके पेट्रोल पंप्स हैं, सही साहब मसूद हैं बाय कास्ट। तो एक दिन वो मुझे फेसबुक पर उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन, वो सॉरी उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मुझे, जी मैंने एक्सेप्ट की, उनकी पिक्चर लगी हुई थी। तो वो 2 दिन बाद जी उनका मैसेज आया। अच्छा, वो मेरी उनसे दूसरे तीसरे दिन मुलाकात रहती है, उस दिन सुबह मैं उनसे मिला, तो कोई 2 घंटे बाद उनका मैसेज आ रहा है, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? तो मैं सुबह तो उनसे मिला था, मैंने कहा वैसे हाल चाल पूछा कि भाई मैं आया हूँ दुबई, तो डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि मुझे कुछ अमाउंट भेजनी है आपके अकाउंट में, अपना अकाउंट नंबर भी भेज दें, अपने NIC की कॉपी भी भेज दें। अच्छा, मैं समझ गया कि कोई और साहब हैं, मैसेंजर पर थे। जी मैंने कहा आप कब गए दुबई? बस, कहने लगे जी 2 महीने हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 2 महीने हो गए हैं, आप खैरियत से गए हैं जी? वो बिजनेस के हवाले से आए हूँ। जी मैंने कहा अच्छी बात है, तो आप अपने भाई के अकाउंट में भेज दें पेमेंट। कहने नहीं, वो छोटा है, वो खर्च कर देगा, तो डॉक्टर साहब आपके पास वो मेरी अमानत सेव रहेगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जो है वो अभी तक मैसेज है मेरे जी पास जी मैसेंजर में, जी मैं आऊँगा तो मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। मैंने कहा जी पहली बात तो कि मुझे ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि आज सुबह तो आपकी और मेरी मुलाकात हुई है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप दुबई आए हुए हैं आप 2 महीने से, तो अब यहाँ वाले जो सही साहब हैं वो ओरिजिनल हैं या आप ओरिजिनल हैं? बिल्कुल ठीक है। अब उसे फौरन मुझे बुलाओ कर दिया। तो यहाँ ये आप देखें कि इतनी चीटिंग और इतना फ्रॉड, वो मेरा NIC लेना चाह रहे थे, मेरा अकाउंट, बैंक जी अकाउंट उसको जी हैक करते। बिल्कुल सही। तो यहाँ इतना कुछ हो रहा है, आपके सामने कई मैसेजेस आते होंगे, ये सोशल मीडिया उस पे तो काम नहीं हो रहा, अभी ये सियासी उखाड़ बिछाड़ पे जो आवाम में हो रहा है, तो वो नफरत फैल रही है। हर पार्टी का जो कारकुन है, चाहे उसके लीडर के नज़रियात जो हैं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, पर वो जहन साजी करके खड़ा है, उसका जो है कारकुन वो अपने लीडर को बहुत अच्छा समझता है, चाहे वो फिर आईनी तरमीम करते जाएं देखिए या ठीक वो इंसाफ के तकाजे पूरे ना करें या कुछ भी ना करें, उनके लिए वो जो है ना मुर्शिद भी बन जाते हैं, बताइए। उनके लिए जो है वो पीर साहबान भी बन जाते हैं। तो अब आवाम, मैं तो ये कहूँगा कौम जो है ना वो मुर्शिद और पीर और ये, हाँ जो खानदानी है, जो है आले रसूल है, पीर वो साहबान, एक अलग उनके वो सिलसिला तो है, वो एक अलग जाहिर है उनका सिलसिला इनसे है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो जो इस तरह के जो नाम सियासी इस्तेमाल पीर किया बन जाता है जाते जी, हैं सियासी और पीर जो बने हुए हैं, सियासी मुर्शिद भी बन जाते हैं सीनियर सियासतदान भी बन जी, जाते हैं। तो सीनियर सियासतदान, तो इन ये बैठ के पार्लियामेंट में जाते हैं, और कई सियासतदान तो ऐसे हैं कि आपने देखा होगा कि उनको कुरान पाक की कई सूरतें भी नहीं पढ़नी जी आई थी, जी रिकॉर्ड पर हैं बड़ी मीडिया में, तादाद है बहुत ऐसे, कोई सारे एक फर्द सियासतदान, वाहिद नहीं है, तो बड़ी वो तादाद है ऐसी, आईन में बिल्कुल। तरामीम करते हैं, और ये जो हमारा आईन बना था 1973 का, ये हदीस और कुरान से लिया गया था, लेकिन अब जो इसमें इतनी तब्दीलियां हो चुकी हैं अपने जाती मफाद के लिए, और ख़ास कर ये है कि हर इदारे को दबाने के लिए, कि मातहत उसको लाया जाए, मातहत उसके लाने के इख्तियारात को लिए कम किया जाए, बिल्कुल ऐसा ही। जी। और एक दफ़ा तो आपको पता होगा कि एक हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तो उसमें उन्होंने ISI को भी अपने अंडर करने के लिए एक बिल पास कर दिया था।
तो ये बहुत सारी चीज़ें गुजर चुके हैं, आवाम को सब याद है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा लास्ट में भी तमाम सियासतदानों से कि आईन में तरामीम आप करें, भले कुछ भी करें, लेकिन ये देख लें कि मुल्क सबसे अहम है, मुल्क के बिल्कुल ठीक इदारे है, जो हैं वो भी अपने उनमें रह के हदूद में रहते हुए आवाम के लिए कुछ करें। अब बिल्कुल सही, इंसाफ चाहिए शर्त यही आवाम है, को। बिल्कुल आपने वजह जी फरमाया कि शर्त यही होना चाहिए कि उनका मकसद और मशरफ ये हो कि वो आवाम की फलाह के लिए काम करें। दूसरी एक और चीज़ डॉक्टर साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ, बल्कि मैंने काफ़ी सियासी लोगों से इस बारे में बात भी की कि ये हर फोरम के ऊपर तस्करा 45-47 कर करते ज़रूर हैं, तहम इस वक्त कोई भी इस हवाले से काम नहीं किया गया कि आने वाले वक्त में जब आम इंतखाबात होंगे तो ये तरीक़ेकार ना हो जिसके ऊपर सबको तहफ़ुज़ात हों, जीतने वाले को भी हारने वाले को भी हर शख्स उसकी दुआइयाँ दे रहा हो। होता अमूमन ये कि सारे मामला जो है वो पसे पुश डाल दिए जाते हैं, फिर आम इंतखाबात का वक्त जब करीब आएगा उसके बाद फिर सबको तहफ़ुज़ात होंगे। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि इसका रास्ता जो है वो कैसे रोका जाए। मुख्तसरन मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इसका जवाब दे दें बहुत क्योंकि वक्त अहम ख़त्म हो सवाल गया है है आपका, और सवाल। आपने बहुत, वो कहते हैं ना, जैसे चलो दुखती रग पे हाथ रख दिया। ठीक है, तो बात ये हो रही है यासर भाई कि हमने ये इलेक्शनों का, जब से खैर मैंने तो देखा है जी सियासत जी में वही जी संभाला है कि इलेक्शन कोई भी फेयर नहीं होता उसके अंदर। अभी मैं NA 242 से था, जी तो वहाँ पर मैंने जो हालात देखे, या बाकी मेरे कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान से थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे हलकों में भी धांधली हुई है, जी मैं बरमला कह रहा हूँ। ठीक है, अब धांधली किसने कराई, किस तरह हुई, लेकिन इसमें बदनामी एक ऐसे इदारे की हो गई कि जो मैं कहता हूँ कि नहीं होनी नहीं चाहिए होनी थी, चाहिए। और वो एक नफरत बैठी है आवाम के दिलों में। तो ठीक इसके लिए सिर्फ एक आखिरी बात है है, कि ओके, ये फॉर्म 45 और 47 का जो है, इन मामलात को आइंदा के आने वाले इलेक्शन में ख़त्म किया जाए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जिसको ठीक आवाम सेलेक्ट करे उसको हुकूमत दो, हुकूमत, इदारों के जितने काम हैं इदारे अपनी हदूद में रहते हुए वो काम करें। बहुत खूब। अब डॉक्टर साहब इसके ऊपर तो बड़ी तफसील से बात हो सकती है और होनी भी चाहिए, इंशाल्लाह एक और नशस्त इसके ऊपर रखेंगे जिसमें इन मामलों पर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी, खासतौर पर जो आखिर का जो मामला है जो आगे चल के सर उठाएगा, और यकीनन फिर उसके बहुत सारे मामला हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर शबीर अहमद साहब का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सुबह के वक्त, जो आइन और कानून के जो मामला थे या इससे जुड़े जितने भी मामला थे उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। मुख्तसरन एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।